स्ट्रॉबेरीज मिल के 51 एपिसोड में आप देखेंगे वोल्कन बुराक को पूछता है कि वो आगे क्या करेगा, तो बुराक बोलता है कि उसे मालूम नहीं हो रहा कि वो आगे क्या करें क्योंकि उसकी मॉम एस्ली को एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो एस्ली को छोड़ नहीं सकता, मगर अब एस्ली उससे दूर जा रही है। और जब एस्ली कैफेटेरिया में होती है तो चाला और गनी उसे अकेला देखकर परेशान करते हैं और चाला एस्ली को ये भी बोलती है कि वो उसकी मॉम को वोल्कन के घर पर काम करने के लिए कहेगी और ये भी बोलती है कि एस्ली वहाँ पर वोल्कन पर भी डोरे डालेगी, जो सुनकर एस्ली चाला को थप्पड़ मारती है। और उसी वक्त वहाँ बुराग आकर गनी और चाला को एस्ली से दूर रहने के लिए कहता है और वोल्कन भी गनी और चाला को बुराग और एस्ली से दूर रहने के लिए कहता है। और बुराग एस्ली को कहता है कि वो उससे ब्रेकअप ना करें, मगर एस्ली कहती है कि उनका एक साथ होना इतना आसान नहीं है। बुराग जो है एस्ली को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए सोचता है ताकि सब लोगों को मालूम हो जाए कि वो एस्ली के लिए कितना सीरियस है। और गोंजा और एर्दम को इसकी प्रिपरेशन करने के लिए कहता है और बुराग जो है एस्ली के लिए एक रिंग भी लेता है प्रपोज करने के लिए। निहात को जो है एस्ली और बशक के साथ की फोटोज मिलते हैं और वो ये फोटोज देखकर अपने बेटे के लिए टेंशन में आ जाता है और वो बुराग को कॉल करके बुलाता है और उसे एस्ली के बारे में पूछता है और बुराग कहता है कि वो एस्ली से बहुत प्यार करता है और उसे शादी करने का भी सोच रहा है। तो उसके डैड उसे वो फोटोज दिखाते हैं और कहते हैं कि शायद बशक और एस्ली एक साथ हैं और एस्ली बुराग को धोखा दे रही है क्योंकि बशक एस्ली को ये सब करने के लिए कह रही है, मगर बुराग ये सब नहीं मानता। और एस्ली जो है अपने लिए घर देखती है मगर उसे कोई खाली घर नहीं मिलता और उसी वक्त बशक वहाँ आ जाती है और एस्ली को कहती है कि उसके फ्रेंड का एक घर है और एस्ली वो देखने के लिए बशक की कार में बैठती है और उसी वक्त बुराग वहाँ पर आकर ये देख लेता है और वो उनका पीछा करता है। और बुराग एस्ली और बशक को साथ देखकर गुस्से में आ जाता है और जब गोंजा और एर्दम बुराग को कॉल करके बोलते हैं कि सारी प्रिपरेशन हो गई है तो बुराग कहता है कि सब कुछ कैंसल हो गया है और वो अब एस्ली को प्रपोज नहीं करेगा। और वो रात में बहुत ड्रिंक करता है और एस्ली के रूम के सामने जाकर उसे याद करता है और उसके डैड को कहता है कि आखिर एस्ली उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है और ये भी कहता है कि वो एस्ली को भूल जाएगा। और एस्ली भी बुराग को बहुत मिस करती है और बहुत रोती है। और आगे के एपिसोड्स में क्या होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।